सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उसके बाद घंटा जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के अपडेट आपको मिले सबसे पहले। अच्छा, एगो बात जानते हैं कि नहीं आप लोग, इस जो अप्रैल का महीना होता है ना, साला बहुत ही कमीना होता है। कैसे कि पढ़ाई, प्यार और गर्मी, ये तीनों का शुरुआत साला इसी महीने से होता है, जैसे हमारा हुआ था। नया सेशन के नया एडमिशन में कभी दोस्ती का रिलेशन प्यार के डिसीजन में बदल गया, ये तुमको पते नहीं चला। प्यार के साथे साथे पढ़ाइयों मस्तियों में चल रहा था, क्लास में हेलो हाय और छुट्टी के टाइम टाटा बाय, ये डेली का रूटीन बन गया था। लंच का दो टिफिन लाना और रोज अपने हाथों से खिलाना, वो मैडम का ये बड़प्पन ही हमारे दिल को जीत लिया था। इधर मई का महीना भी सर पे सवार था, तब तक हमारे प्रिंसिपल सर ने गर्मी की छुट्टी की घोषणा करी। हम भी सोचे कि चलो ठीक ही हुआ, कम से कम जेठ के दोपहरिया में उनका फेस करिया होने से तो बच गया। अब इंतजार था तो सिर्फ जून के महीने का कि कब वो छुट्टी खत्म करके क्लास करने आती और प्यार से मुस्कुराकर हमें लंच पे बुलाती। खेत में खरिहानी में, आम के बगानी में, जोश में जवानी में, बस तू याद आवे लू, बस तू याद आवे लू। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ही बदली बदली से लग रही थी, एकदम बदलते मौसम की तरह। धीरे धीरे हमको महसूस हुआ कि अब वो हमसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगी हैं। कैसे कि हम जब भी उनसे बात करने की कोशिश करते थे, वो नजरें झुकाकर इग्नोर कर दिया करते थे। अब जुलाई की पढ़ाई हमको तनिको नहीं भा रहा था, काश कि दिल और दिमागी मानने को तैयार नहीं था कि वो और उनका प्यार इतनी जल्दी बदल जाएगा। खैर, अब वो बदल चुकी थी। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए। हमको आजो याद है अगस्त का वो महीना, जब सावन से भी ज्यादा बारिश हमारे आँखों से हुआ था। सारे सपने, सारे उम्मीदें भींगे पड़े थे। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल उठता रहता था, आखिर वो हमसे इतना दूर क्यों होते जा रही थी, आखिर वजह क्या थी। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम, होने लगी बरसात मगर जल रहे हैं हम। फाइनली सितंबर में हमको सब कुछ पता चल ही गया कि अब वो साइकिल से नहीं, किसी के साथ मोटरसाइकिल से आती हैं। ये सब कुछ जानने के बाद अक्टूबर का सितंबर हम कैसे झेले हैं, ये हमसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता है। कहा से कि दशहरा का दिन था और वो मैडम अपने नायका बॉयफ्रेंड के साथ कमर में हाथ डाल के मेला घूम रही थी। देखकर तो बहुत तकलीफ हुआ, घर जाकर पूरी रात रोए थे उस दिन। जिंदगी बेजान हो गई, कैसे काटी नहीं कोटला उमरिया रे।
नवंबर और दिसंबर तो इस सोचने और समझने में ही निकल गया कि मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लड़के प्यार नहीं सिर्फ टाइम पास के काबिल ही होते हैं का कहे से कि उनके पास मॉल घुमाने के लिए ना ही पैसा और ना ही हॉल घुमाने के लिए गाड़ी होता है। पर इतना वादा करता हूँ तुझसे अगले सो जन्म तुझे ना ऐसा मिले रहने दो यारो दस्तूर निभाते क्यों हो दिल मिलता नहीं हाथ मिलाते क्यों हो। दुनिया बदल रहा था मौसम बदल रहा था और समय के साथ साथ सालों बदल रहा था कैसे कि अब बारी थी जनवरी की जब लोग हैप्पी न्यू ईयर और सेम टू यू डियर कहते थे पर हमको ये सब कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कैसे कि अब पढ़ाई और प्यार के साथ साथ इम्तिहानों सर पे था। सोचे कि फरवरी में होने वाले परीक्षा को किसी तरह हम पास कर लेंगे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कैसे कि पढ़ाई से ज़्यादा हम उनके गम में डूबे रहते थे। तेरा गम अगर न होता तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता। अब इंतजार था तो मार्च के उस अंतिम महीने का मतलब मेरे रिजल्ट का। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि हम पढ़ाई और प्यार दोनों के परीक्षा में फेल हो चुके हैं। अब रोने और खोने के सिवाय कुछ नहीं बचा था मेरे पास। जब बाबूजी को पता चला तो हमको खूबे गरियाए। घर वालों ने हमको बहुत समझाया। अब हमने भी सोचा कि अपना हाल दिल बदल लिया जाए पर ऐसा हम नहीं कर पाए। काहे से कि एक तरफा ही सही बेपनाह मोहब्बत जो थी उनसे आज भी उनके हिस्से का दिल उन्हीं के नाम से धड़कता है। कैसे कि हम टाइम पास नहीं सीरियस प्यार जो किए थे उनसे। अब देखिए ना आज फिर अप्रैल का महीना आ गया और हम आज उनसे उतने मोहब्बत करते हैं जितना उस टाइम करते थे। वो बात थोड़ा अलग है कि उस टाइम हम शहर के किसी कॉलेज में थे और आज अपने बाप दादा के कुश्तैनी खेत में गेहूँ का कटनी करवा रहे हैं। कैसे कि हमारे बाबू जी तो पढ़ाई उसी टाइम छुड़वा दिए थे जिस टाइम हम उनके प्यार में पगला कर फेल हो गए। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसे कि वीडियो पर हम बहुत ही मेहनत किए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ कमेंट तो करवे कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। फिरदा गुलाब नहीं हूँ कल्ला तेरे पीछे गोरी है मैं तो सिर ते पंजाब चक्की फिरदा सच्ची सच्ची दस मथों की पार गए हैं गड्डी च गुलाब चक्की फिरदा गुलाब नहीं हूँ कल्ला तेरे पीछे गोरी है।